नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। ये ऑपरेशन पवित्र वर्ष 2017 से उज्जैन जिले में उज्जैन पुलिस द्वारा चलाया गया था। इसमें जो आदतन अपराधी हैं उनको चिन्हित किया गया, उनके जो अपराधों की गंभीरता है उसके हिसाब से चिन्हित करने के पश्चात जो विभिन्न प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे जिला बदर 110, 107, 108, ये सभी कार्रवाइयाँ उनके विरुद्ध प्रस्तावित की गई तथा उनको बाउंड ओवर करा के बाउंड ओवर अवधि में उनकी निगरानी भी करी गई। इससे ये फ़र्क पड़ा कि जो आदतन अपराधी थे, जो बाउंड ओवर थे, उन पे नज़र रखी जाए, उनके द्वारा अगर वापस से अपराध किया जाता है तो उन अपराधों में कमी लाए। हाँ, इसमें दिल्ली की एक संस्था द्वारा उज्जैन पुलिस के कार्य को सराहा गया है, विशेषकर जो ऑपरेशन पवित्र है और उससे जो अपराधों में कमी आई है और जो जनता और पुलिस की दूरियां कम हुई है उसकी सराहना की गई है, उस पर पुरस्कृत भी किया। हाँ, इसमें विभिन्न क्षेत्रों से जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनको चयनित किया गया है, जिसमें उज्जैन पुलिस के कार्य को देखते हुए उसको पुरस्कृत किया। इसमें मेन ऑपरेशन पवित्र का जो कार्य है उसमें हम जो अपराधी एक बार बाउंड ओवर हो जाते हैं उन पर सतत निगाह रखते हैं, साथ ही जिनकी बाउंड ओवर अवधि खत्म हो रही है या जो जेल से छूट कर आ रहे हैं या जिनकी जिला बदर अवधि समाप्त हो रही है उन पर नज़र रखते हैं, और उनको दोबारा अगर वो एक्टिव रहते हैं तो उनको बाउंड ओवर की कार्रवाई पुनः की जाती है, जिससे वो दोबारा से अपराधों में संलिप्त ना रहे। मुझे लगता है कोई भी सम्मान जो है किसी एक व्यक्ति विशेष कारण संभव नहीं होता है, और उज्जैन के केस में मुझे लगता है यहाँ के जो सभी पुलिसकर्मी ग्राउंड लेवल पे हैं, जिनके द्वारा इस अभियान को जो है ज़मीनी स्तर तक लागू किया गया, यहाँ के जो लोग हैं जिनके द्वारा पुलिस को जानकारी देते हुए तथा इस अभियान के संबंध में जो कार्रवाइयाँ करनी थी उसमें सपोर्ट किया गया, और साथ ही जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका मार्गदर्शन हमारे साथ में इस अभियान में रहा है, साथ ही जो हमारे मीडिया के मित्र हैं उनके द्वारा लगातार पब्लिक में ये प्रचार प्रसार कि इस अभियान से जो अपराधों में कमी आई है उससे क्या हमें बेनिफिट हो रहा है ये बताया गया है, तो इसमें सभी का एक मिला जुला प्रयास है जिससे संभव हुआ।